मेरी होने वाली वाइफ की ईदी वापस आ चुकी। भाभी के लिए ले जा रहे हैं लहंगे। हाँ भाभी को, पर उन्होंने बहुत गलत करा हमारे साथ अम्मी। भाई अभी सिस्टर के लिए मेरी शादी का लहंगा, अबे काफी अच्छा डिजाइन लग रहा है ये हमने अपने होने वाली वाइफ के लिए ले। मेला लग रहा है ईद के लिए, तो भाई आप मेरे लिए सब दुआ करना। सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सेल में, और यहाँ पर अभी गंजा मुर्गी चोर लेकर आया हमारे लिए बटर चिकन स्पेशल, और अम्मी ने बनाई थी खिचड़ी, और हमारा इससे तो मन भरता नहीं है, बताया था इसलिए स्पेशल मक्खन वाला मुर्गा मंगाया था। और यहाँ पर फैनी, तो आज अम्मी ने बीमारों वाला खाना बनवाया, तंदुरुस्त वाला भी मुर्गा मंगवाया है। मसाले खिचड़ी की रेसिपी दूंगी सब बनाना अपने घर में, फिर बताना कैसे लगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जो हमारा कीमा बनाया था ना, इतने अम्मी मार्केट गई थी ना, सब्सक्राइबर मिली, हमने आपको कीमा बनाया बहुत अच्छा ना था, शुक्रिया आप ऐसे हमारी रेसिपी देखकर बनाती हो, और बहुत हम अमेजिंग अमेजिंग रेसिपी देते रहेंगे, ऐसे मेरे डेली ब्लॉग आते हैं 8 बजे, तो आप ऐसे मेरे प्यार देते रहना। तो अभी हम करते हैं सेहरी, नहीं तो गंजा मुर्गी चोर सारा मुर्गा खाएगा। सेहरी तो कर लियो, पर सेहरी इतनी खाई नहीं गई है, गले में खिचखिच, गले में बहुत दर्द हो रहा था, अभी मेरी दवाई का टाइम हो चुका है, आपको दिखाता हूँ दवाई कौन कौन सी है। फर्स्ट तो ये है, पता नहीं क्या क्या सिरप दिए हैं, बहुत सारे, और एक ये दवा है, और ये दवा है, और ये दवा, बहुत सारी दवाई और हमने पिला देती है, कितने गुट पीनी है वाली दवा, तो बिल्कुल पानी सी है, पता नहीं क्या है। हो चुकी है सेहरी, और बाहर इतना प्यारा मौसम हो चुका है, हल्की हल्की आंधी चल रही है और हवा चल रही है बहुत तेज वाली। आपको मिलता है सुबह मॉर्निंग के अंदर। चलो भैया अब कराते हैं इनकी लास्ट फिटिंग, क्योंकि सारा काम हो चुका है, सिर्फ फिटिंग रह गई। बाद हो जाऊंगा मैं बिल्कुल फ्री, और कुछ काम नहीं है, सिर्फ फिटिंग होगा। तुम्हारा भाई सुबह उठते ही पहले फिटे निकाले, अम्मी से क्या मिलाओ कपड़े फिटिंग करा के लाता हूँ। शुक्र है आज मौसम इतना, भाई गर्मी वर्मी नहीं है, देखो मौसम मीडियम हो रहा है, छाए भी निकल लिया, बस थोड़ा भक्का था, बट कोई दिक्कत नहीं, धूप से तो बच रहे हैं। चलते हैं शॉप पर यार, फिटिंग वाले मिल जाएगा, नहीं मिला ना मेरे साथ बहुत बड़ा पोपट हो जाएगा। सलाम वालेकुम, फिटिंग कर दोगे? नहीं कर दोगे भाई, फिटिंग कर दोगे? लो मेरे कपड़ों की फिटिंग करो जल्दी से। तो अभी ना नापा पापा दे देते हैं और फिटिंग करा लेते हैं, अभी कपड़े तो दिखाने ही नहीं है, कभी फिटिंग हमारा देख लोगे, ईद पर ही दिखाऊंगा डायरेक्ट। हरामी हो बेटा, मैं शॉप पर आया था, तो ये शॉप वाले ना ये बता रहे भाई तुम्हारी व्हाइट वाली शर्ट के फोटो ले लेके आ रहे हैं, बंदे याली शर्ट दे दो, याली शर्ट दे दो। भाई वो मिलेगी नहीं, क्योंकि एक ही टी शर्ट एक ही शर्ट मिलती है, वो जहाँ से मैं लाता हूँ। यहाँ पर होने लगी हमारे फिटिंग, मुल्ला जी बढ़िया कर दो ना, मैंने फिटिंग कराई है भाई, इतनी प्यारी फिटिंग करी है ना, बिल्कुल लग्जरी फिटिंग आई, और मेरे सारे कपड़े ना कितने सारे थैले हो चुके हैं। अगर किसी को इनसे फिटिंग करानी हो, ब्रह्मपुरी रोड है ये वाला, देख सकते हैं ब्रह्मपुरी रोड है, यहाँ पर ये मुल्ला जी बैठेंगे, मुल्ला जी कोई भी सलाम करे ना समझ जाना मैंने भेजा, वो मेरी वीडियो देख कर आया। ओके भाई, ओके, पर ये इनो का नंबर है ना, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इन्हें जल्दी जल्दी आओ, फिटिंग कराओ, डिस्काउंट दे देना जो भी मेरा नाम लेकर है। ओके भाई, तो लेट्स गो, अब चलते हैं फटाफट से घर पर, कल लो भी गर्म हो चुकी है, इतनी धूप निकल गई, मैंने तारीफ कर दी ना धूप की ज्यादा तेज की, इसलिए फिर धूप निकल गई। मेरे पास 500 का नोट है, सर इतने बड़े नेस्ती है, 100 का नहीं उठते, देखना भाई कितना मेरे, देखना 3:37 हो रहे हैं भाई, उठ जाओ ना, देखो ये रियम में उठ गए, गंजा मुर्गी छोड़ दो उठाए नहीं, और मैंने सुबह सुबह सारा काम कर दिया, परेश के कपड़े भी ला के दे दिए, अभी और देकर आने, और ये सारे कपड़े आ चुके, हूर का चिकन भी आ चुका है, हमें थक गया आज, इतना काम कर दिया मैंने, बहुत काम करे। मेरी होने वाली वाइफ की ईदी वापस आ गई, पता नहीं क्या हुआ ना, पसंद नहीं आई क्या, हमने सारा सामान फेंक दिया, सारा सामान फेंक, क्यों पसंद नहीं आया कुछ, ये क्या सीन है, हमारी जो हमने होने वाली वाइफ को सामान दिया था सारी उन्होंने वापस कर दी, ये कहा जा रहा है लड़की खुद लाती शॉपिंग कर, लड़की लाती खुद, अब लड़की कहाँ से बुलाता व्यक्ति दूर से, ये बताओ हमारे साथ अच्छा करा है गलत करा, देखो भैया क्या पसंद, पसंद देखता हूँ, एक इसके अंदर वाइफ मैं लाई थी, मैं तो गरीब मेरी चीज बहू को मेरी पसंद आ जाएगी, पर बहू को तो हमने फेल कर दिया रे, लो सैंडल है, पैसा बर्बाद, लो भाई सैंडल पसंद नहीं मिला, कोई नहीं बदल के ले आएंगे, मेरा ब्लॉग देख लिया, और उन्होंने मैंने कह रहा था नहीं बदल के लाने, नहीं आए पसंद फिर क्या करें, लो लग गए हुंडा, नहीं मैंने की थी ना अपने ब्लॉग में की उन्हें, भाई अगर लात मारेंगे तो उड़ जा, तो गुस्से में आ चुकी, और देखो डिजाइन कितना बढ़िया बनना है, हाँ दूसरी आएंगे, अरे यार चलो कोई दिक्कत नहीं, हम एक्सचेंज करके ले आएंगे, उनकी पसंद में हमारी पसंद, हमारी पसंद में अम्मी की पसंद, कोई नहीं वो रात दिन अगर यदि वापस फेरते हैं ना, हम नए लाएंगे, हम चेंज करेंगे, नहीं नहीं भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, पर चेंज जरूर करेंगे, पर उन्होंने बहुत गलत करा हमारे साथ अम्मी, उन्होंने वापस कर दिया है मेरी प्यारी सैंडल। चलो हम शाम को चले आएंगे इनका एक्सचेंज करने, कोई दिक्कत नहीं, बीवी नंबर वन, सॉरी तुम बीवी नंबर वन, मैं अपने आपको कह रहा हूँ, अम्मी यहाँ पर सामान पैक करने पर पड़ी है, अरे अम्मी यार अम्मी बेचारी हमारी बहुत भोली है, और कपड़े पसंद आ गए, सिर्फ दे देती, कोई दिक्कत नहीं, कपड़े पसंद आ गए, कपड़े पसंद आए नहीं आए, कपड़े भी आ सकते हैं क्या, कपड़े तो भाई पसंद है, कपड़े तो आए नहीं, कपड़े कपड़े पसंद आए क्योंकि नंद भावजो के सेम, हाँ इसलिए सेम थे दोनों, पसंद आ गए मेरी जान, मॉडल भाभी मॉडल, अरे मेरी हो रही है तबीयत बहुत खराब, और मैंने रमजान रख रखा है तो बुखार तो ना पानी गया, और 100 से ज्यादा ही हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है,
बहुत यार तबीयत खराब। तो भाई आप मेरे लिए सब दुआ करना, क्योंकि यार मैं ईद पर व्लॉग भी बनाना है, बहुत अच्छे अच्छे सोच रखे थे मैंने भाई। मम्मी से भाई पट्टी रखवा लेते हैं और दवाई भी खा रहा हूँ। फिर से तो अभी रोजा रखा है मैंने, रोजे का इख्तियार होगा ना, उसके बाद खाऊंगा दवाई। तो अभी मैं बिल्कुल सोकर उठा और मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है भाई, शरीर में इतनी दर्द हो रहा है ना, मुझसे कुछ हिला भी नहीं आ रहा। बट तुम्हारा भाई व्लॉग बनाएगा, डेली व्लॉग जरूर बनाऊंगा। और यहाँ पर हमें कुछ डिश बना रही है, वो पता नहीं क्या बन रहा है, खा रहे मैं बन रहा दो। यहाँ पर आ चुकी है सारी इख्तियारी। आज हमने पकौड़े ना कचरी किसी के लिए नहीं करी, क्योंकि सबकी हो रही है तबीयत डाउन, तो इसलिए हमने क्या चीज को भी तेल की चीज नहीं खिलाऊंगी ना बिरयानी मंगाई। तो भाई ये सबके लिए अलग अलग फ्रूट वाले चाट और शिकंजी है, तो अभी इफ्तार के लिए वेट करते हैं। बिस्मिल्लाह, हो चुका है इफ्तार। और गले में जब मेरे ये खजूर चला है ना, ऐसा लग रहा है क्या खा लिया मैंने आज। अब मैं भाई एक बार और जाना पड़ेगा, मैं डॉक्टर के पास चलेंगे, क्या पता ग्लूकोज लगा दो। कमजोरी बहुत आ रही है शरीर में, हाथ भी नहीं चल रहा मेरा कैमरा से, बट कोई नहीं भाई, आप लाइक करके जब भी आना है ना गंजे मुर्गी चोर। तो फटाफट से करते हैं हम इफ्तार। कमेंट आ रही थी, मैंने कल वाली वीडियो में बोला था जिसे ईद पर मिलना मेरे घर पर आ जाए, बट मैंने बोला था नमाज के बाद आ जाए, ये नहीं बोला कौन सी नमाज के बाद। भाई कुछ लोग कह रहे हैं भाई फजर के बाद आना है या जोहर के बाद आना, भाई 1 से 2 तक बीच में आप कभी भी आ जाओ, मैं घर पर ही रुकूंगा, जिसे जिसे मिलना है सब आ जाना। भाई अभी एक भाई मिलना है हमसे, और इनका भाई का यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है भाई यूट्यूब चैनल का? शान व्लॉग। भाई मैंने काफी व्लॉग देखे भाई के, काफी अच्छे लगते हैं भाई, एक बार दिखा दो और मैं स्क्रीन पर चला दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक डाल रहा हूँ भाई चैनल की, जाओ इनका चैनल को सब्सक्राइब। भाई कितने सब्सक्राइबर चाहिए चल लेता हूँ भाई, 10 के तो कुछ ज्यादा हाई फाई है, चलो जितने हो सके भाई उतने करा देना, और भाई के ब्लॉग्स भी देखना और कमेंट करके बताना भाई जो जो मेरी वीडियो के थ्रू इनकी वीडियो देख रहा है को भाई, सही है ना सही है। तो भाई का चैनल है शान व्लॉग, भाई का चैनल है शान व्लॉग, जाओ भाई सब्सक्राइब करो जल्दी से, इनके 1K पार करा दो जितने जल्दी हो जाए। और ये भाई के ब्लॉग काफी अच्छे हैं भाई, जल्दी जल्दी जाकर देखना। और मैं स्क्रीन पर चला रहा हूं, यहां पर स्क्रीन पर भाई का चैनल आ रहा है और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो। ओके भाई एक बार बोलेंगे बस बढ़िया। अगर अभी चलते हैं हम सिलमपुर मार्केट, अपनी वाइफ के कपड़े चेंज करा के लाने हैं, सॉरी कपड़े नई वाली जो चप्पल आई थी ना उसे चेंज करा के लाना है। सिस्टर को भी हमने पिक कर लिया, चलो सिस्टर ही चले आएंगे, अम्मी को क्योंकि अम्मी कह रही है तुम चले आओ फिर मैं जाऊंगी तो रात हो जाएगी आता आता। चुका सिलमपुर मार्केट और कितना जाम लगा पड़ा, अभी अंदर की साइड जा रहे हैं, बड़ा रिस्क लेके, 3 दिन रह चुके हैं ना, 3-4 दिन, तो इसलिए बहुत क्राउड हो रहा है। मैं वहीं पर खड़े करके आ चुका हूं और अब जा रहे हैं हम पैदल, क्योंकि हालत खराब हो जाएगी अगर गाड़ी अंदर घुसा रही। तो इस दिन बिल्कुल बढ़िया लगता, मार्केट में गाड़ी नहीं लेकर आया, गाड़ी होया था सब्सक्राइबर मिल गए थे तो मुस्तफा से तो बहुत अच्छा लगा मिलकर। अब तो कलेक्शन सिर्फ जो सिले हुए होते हैं ना वो चल रहे, जो रेडीमेड वाले होते हैं ना, जो नहीं सिलते हैं ना सिस्टर वाले, तुमने तो घर ही अच्छा शॉपिंग कर ली, नहीं तो ये हाल होता तुम यहीं भटक रही होती कोई सी मार्केट में, वाली गली में जहाँ से हमें चप्पलें बदलनी है। चप्पलों पर कितना क्राउड लग रहा है, जैसे कितनी चप्पलें बढ़ रही हूँ, फ्री में बढ़ रही है यहाँ पर। चप्पल वाली शॉप है ना, आ चुके शॉप पर, अब जल्दी से इनसे बदलते हैं। चलो फाइनली चेंज हो चुकी है हमारी, दोनों आ चुके हैं गोल्डन कलर की, ये भी, अरे ये तो व्हाइट है अभी अंकल, देखो ये गोल्डन है ये व्हाइट है, देखो अलग ही दिख रही है, देखो यार क्या कर रहा हूँ फिर गड़बड़ी कर दी। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं भाई ने, कलर ही अलग दे दिया व्हाइट और गोल्डन, तो भाई दोनों सेम दे देना है ना, जो पसंद आ जाए देखते ही फेर दिए वाली चप्पल है। एक ये देखिए हमने गोल्डन कलर की कितनी प्यारी चप्पल, ये हमने अपनी होने वाली वाइफ के लिए ले रहे हैं, ये बहुत प्यारी लग रही है। और इसमें कलर सिस्टर ये ले लो, मैं बताऊँ बिन देखे ले लो ये, क्योंकि हमारी भी थोड़ी पसंद चलेगी ना। हाँ बढ़िया लग रहा है, चेंज तो हो गया, बड़ी मुश्किल से करिए भाई ने, बट ब्लैक कलर हमने पसंद कर लिया, वो आपको घर चल के दिखाएंगे कैसा था, उससे अच्छी लिए हमने, बहुत अच्छी लग रही है। अब उन्हें पता नहीं पसंद आएगी नहीं आएगी, वो जब देखे आएगी, हमने तो पसंद से ले लिया अपने अच्छे। सिस्टर लेना आई थी बेलें कपड़ों पे लगती है ना वाले, तो काफी डिजाइन है, मैं भाई सिस्टर ले लेते अपने कपड़ों के लिए। ये हमारे सब्सक्राइबर मिले, मैं बाइक बाहर खड़ी करके आया था ना, तो वहीं बैठ रहे थे, इनके मम्मी पापा बता रहे, बट देख लो अंदर मिल चुका हूँ, वहाँ बैठ रहे थे खाना पी ली बढ़िया। भाई अभी सिस्टर गई मेरी शादी का लहंगा, अब पापा लेकर भाई उनके लिए ले ले, जिनके लिए लेने आई है, हाँ अपने शादी में पहनने के लिए, जब तू अपनी भाभी के लिए ले ले यार, तू मत ले अभी, तो भाई भाभी के लिए ले जा रहे हैं लहंगे। हाँ भाभी को ईदी पसंद नहीं, हाँ ईदी, अरे भाभी को कुछ ज्यादा हार्ड हो जाएगा यार लहंगा, तूने प्यारे प्यारे कलेक्शन रखे ना भाई, इनके लहंगा वालों में देखना भाई क्या क्या कलेक्शन है। तो हाँ भाभी को यार पसंद आया था, भाभी कमेंट करके बता देना आपको पसंद आया नहीं सही, आ जाओ बाद में लेंगे, हाँ बाद में लेंगे, आ जाओ। सिस्टर ये बताओ तुम अपना सामान खरीदना है किसी और का आई हो? भाई ना खरीदे यार, कभी बूंदे कभी टो दिया ना, कितनी चीजें देख रही है, ले लूंगी अगर अच्छा लगे। हाँ तो ले जल्दी से, आ गए बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के, अंदर तो सांस घुट गई थी हमारी, तो काम वाम करने आए थे ना, वो अल्लाह का शुक्र से हो चुका है, बट उन्हें ईद पसंद आ गई तो मजा आ जाएगा, नहीं तो हमारा फिर से हो जाएगा पोपट। अब कमेंट बताओ भाभी आप ले लो, बड़ी मेहनत से हमें लेकर आया, इतना मुश्किल सांस से अंदर का और फिर बाहर निकल कर आया, और माशाल्लाह 10 बज रहे हैं और इतना क्राउड है ना अंदर की साइड तो बहुत है, देखो फुल चल रही है, चलो बढ़िया। अरे ये क्या भाभी अबे क्या है पजामा पर, नहीं देखने में तो सही लग रहा है भाई, काफी अच्छा डिजाइन लग रहा है ये, अंकल कितने का है? चलो गिरा वो नहीं, अभी बैठा बढ़िया लग रहा है देखना।
यहाँ पर अभी शॉप पर रुका था और यहाँ पर भाई 14 का कवर हुए तो प्यारे प्यारे लग रहे हैं। चलो एक बार एक आध देख लेते हैं। और सिस्टर भी मांग रही थी, बस सिस्टर पे ऐसा कवर है तो सिस्टर पर ले नहीं रही, मैं देख लेता हूँ पहले। मेरी अम्मी भी ऐसी है और सिस्टर भी ऐसी और अब मेरी होने वाली है ना वो भी ऐसा है भाई, उन्हें भी 10 चीन ना दिखाओ ना जब तक पसंद नहीं आती। अब रिजेक्ट कर दिया है सिस्टर। तुम्हारी भाभी भी कहती है अब पसंद आएगी इंशाल्लाह क्योंकि तुम्हारा भाई लेकर आया है। तो फटाफट से चलते हैं घर पर क्योंकि काफी लेट हो गए। देखो भाई क्या कर रही है, गंदगी हो रही है गोदाम में और यहाँ पर लेट है। चल ऊपर हमारे सामने कितना ड्रामा करेगी देखो। अब देखो यूँ कह रही है मैं कट्टे पे बहुत ड्रामाबाज इंसान है। देखो 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 ये समझदार है क्योंकि और वैसे हमारे बिना मट्टी में लेटती है, बहुत तेज इंसान है छोरा। देखो लो अम्मी अब उन्हें पसंद आनी चाहिए। अब खोल के देखो एक बार कैसी लग रही है। मेहनत के साथ लाया हम, इतना घंटा लग गया ना और हमारी तबीयत वैसे खराब हो रही है, तुम और तबीयत खराब कर रही है। अभी बताओ कैसी लग रही है और आप कमेंट में बताना कि हाँ बड़े लग रहे हैं। हाँ इसलिए तो सही लग रही है तुम्हारी भाभी की। मैं बताऊँ क्या पॉपर था पल तो ना बहुत पसंद है। पसंद की वो हमने दे दी एक व्हाइट एक गोल्डन। अच्छा अच्छा जो हमने वहाँ भी देखी दुकान में एक व्हाइट थी एक गोल्डन थी। अरे ये गड़बड़े बाबा। अरे हम सोच रहे उन्होंने ईदी वापस कर दी भाई, ईदी वापस नहीं करी। वो एक गोल्डन पट्टी थी एक मैं वहाँ पर वो दुआ अगर हमने जल्दी फेर दी अल्लाह अच्छा हमें हम दोबारा से वही नहीं लाया तो वाले भी ला रहे थे। तो यूट्यूब फैमिली देख सकते हैं भाभी की न्यू चप्पल आ चुकी है और कमेंट बताना कैसी लग रही है और भाभी को पसंद आनी चाहिए। तो मुझे डॉक्टर ने बाहर का खाना मना कराया तो हमने स्पेशल मेरे लिए चाय मंगाई और अमूल की बटर की ब्रेड से खिलाऊंगी तुझे। आज शहरी में भी कुछ यूनिक खाना है वो आपको पता लगे की नेक्स्ट व्लॉग में की क्या है वो। तो अभी हम इससे ही पेट भर लेते हैं, खाना तो कुछ खा नहीं सकते और फिर जूस वूस भी आएंगे बाहर जाकर। अभी डायरेक्ट गाड़ी पर आ चुके हैं और मौसम इतना प्यार हो रहा है ना, मौसम बिल्कुल चिल हो रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। एक जगह जा रहे हैं आपको अभी वहीं पर चल के दिखाएंगे डायरेक्ट जगह पहुंच कर, बहुत प्यारी जगह है। मेला दिनों का आता है यहाँ पर लग रहा है मेला, तो इसलिए यहाँ पर आए हम। ऐसे एंट्री गेट है मेले की भाई, अब की बार मेला कुछ अच्छा बना रखा, मॉडिफाइड भी हो रहा है। मेला लग रहा है ईद के लिए, ईद के लिए लग तो रहा है बट अभी कोई है नहीं क्योंकि भाई सब ईद पर ही आएंगे डायरेक्ट यहाँ पर घूमना। अभी खाली फाली है सारे बार एक सर हम तो एक्सप्लोर कर रहे थे कि कैसा लग रहा है, लाइट से कुछ दिख नहीं रहा, इतनी डार्क लाइट हो रही है। काफी अच्छे अच्छे झूले लगा पड़े हैं पूरे में और एक से एक झूला लगा मिक्की माउस भी और ये वाले भी जो डायरेक्ट ऊपर जाता है और फिर नीचे धुड़ूम लगता है एकदम से। इस चीज की लाइटिंग देखो कितनी प्यारी है, जो ये बल्ब टांग रखा है ना वहाँ तक ये सबसे मुझे ऑसम लग रही है। बाहर झूला तो भाई बढ़िया लगा और यहाँ पर हथौड़ा वाला भी लग रहा है अपना फेवरेट वाला। चलो अभी नहीं झूल अभी क्योंकि दिल नहीं कर रहा। चलो यहाँ पर अभी हमारे सब्सक्राइबर मिले थे ये रहे और ये रहे और यहाँ पर इतने सारे मिल गए, बस बढ़िया। वाला झूला देखो कितना प्रीमियम झूला, देखो जाली लग रही है इस पर बैठ कर जो एकदम से खुलेगा ना ये पूरे अंदर फेल जाएगा और बहुत तेज तेज भाई खुलेगा, आराम आराम से खुलेगा। इसलिए जा रहे हैं हथौड़े वाले के अंदर भाई, कितने सारे भाई जा रहे हैं हमारे सिरा और इसमें जरूर झूल रहा है, इसमें फटाफट से भी अंदर चलते हैं फिर मजे करते हैं। चलते हैं अंदर और चलो एक में तो ट्राई ले ही लेते हैं ना, कहते हैं तीन उधर बिठा ले तीन उधर बिठा ले तो अलग अलग साइड बिठा ले सारी साइडों में तो बराबर हो जाए। चुके भाई फुल सिक्योरिटी से बांध दिया, ये हमारे बेल्ट फेल्ट सब लगा दिए और अब चलते हैं और मुझे पता नहीं है भाई कितनी तेज घुमाएंगे और डायरेक्ट ऊपर कर दिया उन्होंने, कस के पकड़ना पड़ेगा बहुत। चलो अभी हम फटाफट से झूलते हैं। आ गया भाई पूरा गोल 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 गोल, चलो चक्कर फक इन्होंने थोड़ी देर रोका नहीं बट काफी मजा आया, मेले से निकल चुके हैं मजा आ गया एक नंबर लगा। और अभी हम ब्रह्मपुरी की साइड आए थे और आज शॉप ओपन है भाई, ब्रह्मपुरी में कपड़ों की इतनी भीड़ लग रही है बहुत हाउसफुल चल रही है सारी शॉप है। अभी जा रहे हैं हम यमुना विहार क्योंकि भाई खाने को तो मना करा है सब चीज, जूस तो पी सकते हैं ना तो वही पी लेते हैं हम तो, खाएंगे जरूर खाए बिना रहेंगे ना यार। घूमते घूमते आ चुके हैं मुस्तफाबाद, हम सोच रहे हैं पहले हम जा रहे हैं यमुना विहार अब आ चुके हैं मुस्तफाबाद। ये बताना ये वाली मार्केट कौन सी है, इतनी क्राउड हो रहा है यार फुल चल रही आ गए तक, घूमते घूमते यूं ही आ गए सीरियस हो गए यहाँ तो जाम लग गए, हम तो भीड़ के मारे तो मैं ऐसे ज्यादा रोडों पर घूमने के लिए यहाँ पर इतना खतरनाक जाम मिल गया हमें। बच चुके हैं हम बड़ा तगड़ा जाम में मुस्तफाबाद में निकले यार, चारों तरफ से बंद हो गए भाई, एक कार है और यहाँ पर बैटरी रिक्शा और ये है पूरा फसला है टोटल। तो बाद में कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रही है पूरे हर गली में, जौन सी गली में आ रहे ना वहीं पर डेकोरेशन हो रही है। और यही गली कौन सी है कमेंट में बता देना, मुझे तो गलियों का नाम नहीं पता तुम्हारा भाई एंट्री ले लिया। अब यहाँ पर अभी मैंने अपने फोन का कवर बाय करा बहुत प्यारा लग रहा तो मैंने आंते ले लिया ये रहा भाई शॉप। तो चलते हैं फटाफट से घर की साइड।
चलो फटाफट से बोल देते कमेंट, बड़ा थक गया क्योंकि जाम इतना लग रहा था पूरे रास्ते में। तो फर्स्ट कमेंट है रिजवान कुरैसी, सलाम भाई, मुझे आपके व्लॉग बहुत मजे के लगते हैं, हर रोज वेट करती हूँ भाई मैं आपके व्लॉग, और आपकी अम्मी की वॉइस सुपर से भी ऊपर है, मस्त माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे, लव फ्रॉम पाकिस्तान हैदराबाद। अरे भाई पाकिस्तान हैदराबाद बढ़िया। हुरनूर सिंह, ये भाई बहुत हमारी डेली कमेंट करते, बहुत अच्छा था हुरनूर सिंह जी, इन्होंने अरमान ब्रोतर बहुत नाइस फैमिली जी, अम्मी जी बहुत प्यारी है जी, इंग्लिश बोला तो वो बहुत प्यारी लगती है जी, सिस्टर गेट विल बी सून सुपर हिट व्लॉग जी फ्रॉम चंडीगढ़ जी, ओके जी, ओके जी। हुरनूर सिंह जी, इन्होंने कितना जी लगा रखा सब में, जी जी। ये क्यूट सिस्टर बाय माइसा इज अ माशाल्लाह हस्ती खेलती फैमिली, हमसे तो कपिल शर्मा शो देखना छोड़ दिया है, सब स्ट्रेस खत्म हो जाता है आपके व्लॉग देख, बस बढ़िया। तो चलो आपका आज की वीडियो के लिए, चलो लाइक करो, बढ़ करना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।